કેમ છો બધા મજામાં હું પણ મજામાં તો આજે 14 મે 2019 ઓર અભી મેં હું હુડા પુરલિયા મેં યાની કે વેસ્ટ બંગાલ મેં ઓર અભી મેં યે સપ્તર્ષિ કે ઘર પે હું યે સપ્તર્ષિ કા ઘર હે ઓર યે હે સપ્તર્ષિ કા છોટા ભાઈ સ્વપ્નિલ ઓર અભી ઇનકી સાયકલ મેં હમ કહાં જાને વાલે માઠ જાયેગા યહાં સે કિતના હોગા દૂર વેસે દૂર નહીં હોગા થોડા હી હે તો અભી હમ સાયકલ લેકે જા રહે હે ઓર સપ્તર્ષિ બાઇક લેકે આને વાલા હે ફિર વહાં જાકે દેખેંગે કે ક્યા હોતા હે તો યે સેમી ટાઉન જૈસા હે મતલબ છોટા સા ટાઉન હે યે સિટી ભી નહીં હે ઓર ગાંવ ભી નહીં હે और ये सप्तर्षि का घर अभी इसके अंदर जाके बताऊंगा लेकिन पहले ये जो हमको जहाँ ले जाने वाले हैं वहाँ जाने वाले हैं चलो चलो निकल दे इसका घर है आगे ना थोड़ा जब मैं 12th में था ना तब मैंने साइकिल चलाई थी तब जाके मैं अब पहली बार साइकिल चला रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और ये बीच छोटू बैठा है बहुत मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में और अभी हम पता नहीं किधर जा रहे हैं इन्होंने मठ खोला है लेकिन मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया अब जब वहाँ जाएंगे तब पता चलेगा देखो तो सही यार बहुत ही खूबसूरत है ये जगह ये देखो सब अभी हम इसी रास्ते पे जा रहे हैं सीधे और यहाँ बहुत सारे नारियल के पेड़ है ना यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ है और ये सिंगल रास्ता किधर को तो जा रहा है मतलब ये गांव जैसा आ गया है अभी अभी थोड़ा ही शुरू किया था मैंने चलाना और अभी ऐसा आ गया जस्ट इमेजिन कि अभी समर का टाइम है और फिर भी यहाँ इतनी ग्रीनरी है तो जब बारिश के सीज़न में क्या होता होगा यहाँ पे और मैंने देखा कि यहाँ हर लोग यहाँ साइकिल ही चलाते हैं ये देखो अभी साइकिल लेके यहाँ आ रहे हैं लोग हेलो और वो आगे जा रहे हैं वो भाई साहब भी साइकिल लेके जा रहे हैं और शाम हो गई है अभी तो अरे छोटा सा घर किसी का ये बाइक आया पहला तो स्वप्निल को हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं ये वापस घर जाएगा और हम सप्तर्षि के पास आगे जाएंगे बाइक में पीछे बैठ के लगभग 10-15 किलोमीटर तक आगे जाएंगे अब कहाँ जाएंगे वो जाके पता चलेगा और जो मठ बोल रहा था ना मैं तो मठ का मतलब होता है कि ग्राउंड फील्ड ये इसे मठ कहते हैं जो फील्ड होता है ना मैदान से लगभग 5 किलोमीटर दूर हम यहाँ आए ये छोटे से तालाब में आप इधर लाओ कैमरा मैं बताता हूँ इतना बड़ा तालाब है जिसके बगल में देखो उधर मेरा उंगली इधर है उधर एक होटल है हाँ होटल है उधर कोई आके रुक सकता है मतलब पानी वहाँ तक जाता है पानी वहाँ तक नहीं जाता लेकिन इसके बगल में होटल है अच्छा जगह है आधे पौने घंटे से हम यही है और इस सीनरी का मज़ा ले रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है यानी कि मज़ा आ गया यार अभी भी देखो कलर दिख रहे होंगे आपको ये परछाई है पूरी यहीं इसकी और ये कुछ पहाड़ जैसा है मुझे लगता है कि यहाँ अंदर गांव है या कुछ खेत है तो क्योंकि यहाँ कुछ अंदर लोग जा रहे थे यहाँ से और यहाँ से भी एक रास्ता जाता है यहाँ से आगे
तो हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि अभी सप्तशी का भी गढ़ मुझे दिखाना है। अगर रात हो गई तो मैं शायद टॉर्च जला के भी दिखाऊंगा क्योंकि उनका घर मुझे थोड़ा यूनिक लगा क्योंकि मैं अभी तक कभी एक बंगाली के घर नहीं गया था, तो मुझे इनका घर बहुत बड़ा लगा। और यहाँ थोड़ा फोटो सेशन चल रहा है, सप्तशी फोटोग्राफी सीख रहा है यहाँ। मैन्यूअल में खींच कर रहा हूँ। अच्छा मैन्यूअल में खींच रहे हो ना? हाँ। ये डैब डैब चल रहा है यहाँ पे उनका। और ये बंगाली में बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। तो बस अभी थोड़ी देर में यहाँ से हम निकलेंगे। हमको यहाँ जल्दी आना था ताकि हम रूम टूर दे सके, लेकिन वो ऐसा कि वहाँ टाइम लैप्स और सब लेने में बहुत टाइम चला गया। तो यहाँ बारिश हो रही थी इसकी वजह से लाइट ही चली गई, तो भी हमको सप्तशी रूम टूर देगा और वो भी ऐसे लाइट में। तो ये है सप्तशी। हाय, सो दिस इज माय होम एंड आई जस्ट होस्टेड हिम फॉर 2 डेज। हमारा कुछ मतलब इसके साथ भी मेरा जाने का प्लान था, लेकिन मेरे को अभी घर रुकना है कुछ देर के लिए, तो इनको थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो ही इज लिविंग फॉर कोलकाता। सो दिस इज माय हाउस एंड ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक द होम इन बंगाल। मतलब बंगाल में हर किसी का घर थोड़ा थोड़ा ऐसा ही होता है ना। दिस इज लाइक मे बी अ कोर्टयार्ड और बैकयार्ड समथिंग लाइक दैट। और ये हेड पंप है तो इसमें पानी आता है ना पीने का डायरेक्ट। हाँ, और ये तुलसी है। मतलब ये तो आपको हर एक घर में मिलेगा, हर एक घर में दिया लेगा। हाँ। अगर यहाँ सनी देओल आ गया तो उखाड़ के ले जाएगा। और यहाँ छोटा सा गार्डन है, क्या बोलोगे इसे, गार्डन या फार्म? इधर छोटा सा फार्म में फार्म और गार्डन टाइप का भी है जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट कुछ ग्रो करते हैं। इवन द वेजिटेबल्स व्हाट वी ईट इन आवर होम ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जस्ट कम फ्रॉम दिस गार्डन। यू कैन शो एंड टेक द लाइट एंड चलो चलो आप ही दिखा दो, मेरे को तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या। दिस इज योर मैंगो ट्री, इट इज ग्रोइंग नाउ। दिस इज गुआवा ट्री, दिस इज पपाया ट्री, दिस इज अगेन वन पपाया ट्री एंड यू कैन सी देयर सो मेनी मैंगोस, छोटे छोटे बहुत सारे। एंड दिस इज ऑल द पपाया ट्री। तो ये सभी ऑर्गेनिक है ना फार्मिंग? ये सब ऑर्गेनिक है। एंड दिस वन इज चाइना रोज ट्री। कौन सा? चाइना रोज। ये चाइना रोज। ओके ओके। एंड हेयर वो करेला, करेला है इधर। और वो तो थोड़ा कुछ पालक वगैरह हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, ये पालक है? हाँ, कुछ पालक, पालक टाइप का है। हाँ हाँ। फिर ये भी करेला का है। एंड ये शायद इसका है, लौकी का है। ये शायद लौकी का है, मुझे भी नहीं पता बट लौकी का है। और इधर में तो ये पूरा पालक है और ये मिर्ची का पेड़ है। हाँ, वो रेड मिर्ची होती है, छोटी छोटी होती है ना, छोटी छोटी रेड मिर्ची का है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैं कपड़े धो रहा था ना तब मैंने ये देखी थी। और दिस इज ये हल्दी है। हल्दी? ये हल्दी है, वो जमीन के नीचे होती है। हाँ, वो जमीन तो मतलब इस ये जो पेड़ होता है उसको पूरा उखाड़ना पड़ता है ना पूरा? नहीं, ये हल्दी नहीं है, ये शायद वो क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, मकाई। हमें गुजराती में ना इसको मकाई बोलते हैं, मकाई। मकाई तो मकाई का और भी है लेकिन अभी आपको नहीं दिखेगा घर में अभी। और ये सारा फार्मिंग कौन करता है? या मेरे घर के लोग ही करते हैं। अच्छा, पापा अच्छा। है, मम्मी है। अच्छा, सब मिलके? हाँ, सब कोई मिलके करते हैं। आलू, ऑनियन, मिर्ची, वो सब कभी यहाँ पे करते हैं। और कभी कभी विंटर्स के टाइम में तो हम लोग वो भी ग्रो किए थे, कैबेज, कॉलीफ्लावर सब इधर ही ग्रो किए थे हम लोग। मेरे घर पे जस्ट लाइक वी आर कुकिंग फूड स्टिल इन दिस स्मॉल चूल्हा। आज लंच पे क्योंकि इधर का जो टेस्ट होता है वो हमें गैस में बनाने से नहीं मिलता। हाँ, अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जहाँ मैं रुका था, मतलब सोया था कल रात को। यहाँ से आगे जाके ऊपर ये देख रहे हो, ये मच्छरदानी वाला एरिया, ये हमारे घर नहीं होता है किसी के भी। और यहाँ पे बंगाल में हर किसी का घर होता है ना। दिस इज बेसिकली माय होम एंड यू नो मेरा
रूम है। मैंने तो मूवीज में भी देखा है कि ये जो ये तो होता है ये मच्छरदानी वाला, ये बेंगल में। हाँ मतलब बेंगल पे कोई कोलकाता का मूवी होता है ना, हाँ। तो उसमें घर भी दिखाते हैं ना, तो ये होता है इसमें। अच्छा। तो बस आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, अब मिलते हैं अब डायरेक्ट कोलकाता में सुबह, क्योंकि आज मैं रात को 9 बजे मैं बस पे बैठ के कोलकाता जाने वाला हूँ, क्योंकि सप्तर्षि को तो कुछ काम था, वरना हम दोनों साथ में कहीं दिल्ली से आगे जाने वाले थे। अब वो कहाँ जाने वाले थे, कुछ दिन के बाद निकलूंगा, अभी मेरे को तो टाइम लगा, लेकिन मेरे चलते फिर इनको डिले हो जाएगा, फिर इनको निकलना पड़ेगा। और आपको तो कहीं नैनीताल वो साइड जाना है ना। हाँ, लेकिन मेरे को नैनीताल नहीं जाना था, मेरे को कहीं और जाना था दिल्ली से आगे, और वो जगह कौन सी है वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो वैसे तो भी तो कोलकाता दिखाऊंगा आपको। तो यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो में।